नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं विक्रम संपत की पुस्तक प्रतीक्षा शिव की ज्ञानवापी काशी के सत्य का उद्घाटन इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। विक्रम संपत की यह पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित तो उनकी पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। और जैसा कि आप जानते हैं, जाने माने इतिहासकार विक्रम संपत की इससे पहले जो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं उनमें स्प्लेंडर्स ऑफ रॉयल मैसूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वॉडियार्स, माय नेम इज़ गौहरजान, द लाइफ ऑफ अ टाइम्स ऑफ अ म्यूजिशियन, वॉइस ऑफ द वीड़ा, एस बालाचंदर और बायोग्राफी, सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट 1883 to 1924, वीमेन ऑफ द रिकॉर्ड्स, सावरकर अ कंटेस्टेड लीगेसी 1924 to 1966, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड द ग्रामोफोन, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। ये पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं अंग्रेज़ी में। दरअसल जिस पुस्तक की मैं बात कर रहा हूँ, प्रतीक्षा शिव की ज्ञानवापी काशी के सत्य का उद्घाटन, ये वेटिंग फॉर शिवा ऑन अर्थिंग द ट्रूथ ऑफ काशी ज्ञानवापी का अनुवाद है। इस पुस्तक का अनुवाद किया है अच्युत सिंह ने। और यह पुस्तक ज्ञानवापी के उस इतिहास की बात करती है जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर स्थित हैं। जो लोग काशी गए हैं उनको पता होगा कि जो भारत की तीन प्रसिद्ध तीर्थस्थल जिन पर हिंदू मतावलंबियों का दावा है कि उनको तोड़कर वहाँ मस्जिद का निर्माण अलग अलग शासनकाल में मुगल कालखंड में हुआ था, उनमें अयोध्या, मथुरा और काशी ये तीनों स्थान मौजूद हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण उसका दावा हुआ, उसका मुकदमा चला, उस पर राम मंदिर बना हुआ है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त की जा चुकी है। काशी विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है, एक भव्य मंदिर की रूपरेखा बनाई जा चुकी है, लेकिन वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद अभी है और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक अलग तरह का विवाद जारी है। यह पुस्तक दरअसल उसी विवाद पर एक दृष्टि डालती है। भारत की जो आध्यात्मिकता है, भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है और मंदिर निर्माण की जो परंपरा है, और विश्वेश्वर नाथ जो काशी के अधिष्ठाता देव हैं, महादेवाधिदेव शिव, वो वहाँ किस रूप में स्थित हैं, किस कालखंड में उस मंदिर को तोड़ा गया, ज्ञानवापी मस्जिद किस रूप में बनी, किस तरह से मस्जिद के प्रांगण के भीतर और बाहर उसकी दीवारों पर मंदिरों के प्रतीक पाए जाते हैं, किस तरह से पूजा और आस्था को लेकर एक लंबे कालखंड तक से यह एक तरह का विवाद वहाँ चल रहा है, इन सब पर यह पुस्तक नज़र डालती है। और यह पुस्तक बताती है कि जो नंदी, इसका आवरण चित्र बताता है कि नंदी जी का रुख जो है वह ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है जो शिव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और विक्रम संपत का कहना है कि दरअसल दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिन पर इतिहास का भार इतना अधिक है कि वर्तमान उसको वहन नहीं कर पाता है, और काशी जो इस संसार में हमारी सभ्यता भारत की आत्मा का प्रतीक है, वह किस तरह से इस बोझ को ढो रही है। उनका कहना है कि जो विश्वेश्वर नाथ हैं या विश्वनाथ रूपी भगवान शिव की जो निवास स्थली है, उसकी उसका जो इतिहास है, उसकी प्राचीनता जो है, उसकी पवित्रता जो है, वह एक तरह से स्थापित सत्य है। वे इस पुस्तक में मंदिर पर जो आघात हुआ था 1669 में मुगल शासन काल में औरंगजेब के समय में,
और वहाँ से वो बात शुरू करते हैं, उसकी पश्चिमी दीवार पर बात करते हैं, गुंबद कैसे खड़े हुए उसकी बात करते हैं। 18वीं शताब्दी में किस तरह से इसका विवाद हुआ, फिर औपनिवेशिक युग में यह विवाद किस रूप में परिवर्तित होता रहा, कितने तरह के आक्रमण किए गए, कितने तरह के मुकदमे चले, किस तरह से हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच विवाद का यह एक बड़ा कारण रहा, किस तरह से उनके बीच में अंग्रेज़ों की अपनी राजनीति रही औपनिवेशिक काल में, ब्रिटिश शासन काल ने किस तरह से, बजाय इसको कि इस विवाद का हल हो, वह बढ़ावा देने का काम करते रहे, और किस तरह से आस्था के केंद्र की जगह ज्ञानवापी मस्जिद जो है वह केवल और केवल हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश का एक हिस्सा थी, और विश्वनाथ जो है वह हिंदुओं की आस्था के प्रतीक देव के रूप में वहाँ स्थापित रहे। यह बात विक्रम संपत अपनी पुस्तक के कुल 7 अध्यायों में रखते हैं। वे कोई निष्पत्ति नहीं देते, बल्कि जो उन्होंने देखा है वाराणसी के दौरान अपनी भूमिका में वो लिखते हैं कि इस पुस्तक को लिखने का विचार उनके दिमाग में किस तरह से आया, और उन्होंने इस पुस्तक को समस्त ब्रह्मांड के ईश्वर और रक्षक विश्वनाथ जी को समर्पित करते हैं, जो काशी के महाश्मशान आनंदवन रुद्रवासा और कभी न रिक्त होने वाले अविमुक्त क्षेत्र के स्वामी। यह पुस्तक पूर्ववाक प्राकथन आभार ज्ञापन प्रस्तावना उपोद्धात जो अलग अलग विद्वानों ने लिखा है उसके बाद कुल 7 अध्यायों में बटी है, जिसमें काशी की ऐतिहासिकता आध्यात्मिकता सभ्यता और संस्कृति को लेकर पहला अध्याय है प्रकाशमान शहर, दूसरा उस नगर की ऐतिहासिकता पर बात करती है ऐतिहासिक नगर, दूसरा अध्याय उसको समर्पित है कि काशी को लेकर पूरी दुनिया क्या मानती है, किस तरह की मान्यताएं हैं, किस तरह से उसका इतिहास है, कहाँ वह स्थापित है, क्यों वह स्थापित है। माना यह जाता है कि काशी जो है वह उतनी पुरातन है जितना पुराना इतिहास भी नहीं है, या जितनी पुरानी यह धरती भी नहीं है। मान्यता की बात है, लोग यह मानते हैं आस्थावान लोग कि काशी जो है वह शिव के त्रिशूल के तीनों कोण, जो त्रिशूल में तीनों कोण होते हैं उस पर स्थापित है, इसीलिए ऊंचे स्थान पर है। वहाँ जो भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है वह सीधे शिव की इच्छा से मोक्ष को प्राप्त होता है, गंगा वहाँ उत्तर वाहिनी है, तमाम जो मान्यताएं हैं जो लोग काशी के बारे में जानते हैं वो। इसके बाद शिवलिंग की अवधारणा क्या होती है, यह उन्होंने पुस्तक में किस तरह से हजारों लाखों की संख्या में शिवलिंग काशी में पाए जाते हैं, विश्वेश्वरनाथ के इर्द गिर्द भी किस तरह से शिवलिंगों की भरमार थी और उसके पीछे क्या सोच थी, वह इसकी बात करते हैं। टिंडर बॉक्स में चिंगारी के तहत वह जो विवाद हुआ और जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने, जब मुगलिया सल्तनत थी उनका शासन था, तो किस तरह से हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए वहाँ पे अलग अलग तरह की गतिविधियाँ रची, भले ही वो ऐसा करने वाले लोग आम मुस्लिम नागरिक नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो उच्छृंखल हैं या जो दुष्ट मना है। उसके बाद किस तरह से कानूनी विवाद का आरम्भ हुआ, स्वतंत्र भारत में उस विवाद की क्या स्थिति थी, और ये जो तीव्र विधिक संघर्ष है जो आखिरी खंड है वह यह बताता है कि किस तरह से वह विवाद आज क्या है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, और 2024 तक उन्होंने फरवरी तक इस पुस्तक में नज़र डाली है। इस पुस्तक में कई चित्र हैं और लगभग 100 पृष्ठों में से भी अधिक में संदर्भ ग्रंथ जो है, संदर्भ सूची दी गई है कि तथ्यात्मक रूप से उन्होंने इस पुस्तक को क्यों लिखा है। चूँकि डॉक्टर विक्रम संपत एक बेहद गहन शोधार्थी के रूप में, एक गंभीर इतिहासकार के रूप में उनकी अपनी व्याप्ति है, और लगातार उनकी विषय पर, उनके जिन पुस्तकों पर, उनके काम पर जो उनके आलोचक हैं वे भी इस बात की प्रशंसा करते हैं कि उनका जो शोध है वह तर्क के साथ उपस्थित होता है, वह कोई इतर बात नहीं करते हैं अपनी पुस्तकों में। अगर आपको काशी के इतिहास में रुचि है, काशी विश्वनाथ से जुड़े विवाद में रुचि है, दरअसल वह पूरा मसला क्या है,
तो आप प्रतीक्षा शिव की ज्ञानवापी काशी के सत्य का उद्घाटन को खरीद कर पढ़ सकते हैं हिंदी में। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो वेटिंग फॉर शिवा अनअर्थिंग द ट्रूथ ऑफ काशी ज्ञानवापी को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक का अनुवाद अच्युत सिंह ने किया है, उनका नाम आवरण चित्र पर भी है। अनुवाद थोड़ा और बेहतर हो सकता था, चूँकि विक्रम संपत की भाषा जो है वह परिष्कृत है, इसलिए अनुवाद में मैं समझ सकता हूँ कि कई जगहों पे उलझने हुई होंगी, लेकिन उन्हें और सरस बनाया जा सकता था। अच्युत सिंह को इस दिशा में भी सोचना चाहिए और थोड़ा काम और करना चाहिए। इस पुस्तक को ब्लू इंक पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। 499 रुपये इसका मूल्य है पेपरबैक संस्करण का, और इसमें पृष्ठ संख्या है 386। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक किसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।